था कि 2 ग्राम H2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम H2 एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 ग्राम O2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 ग्राम CH4 एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सेम कंटेनर में है तो बताइए प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा, कम किसका होगा। एक बात तो तय है कि वॉल्यूम सेम है, वी अगर सेम है तो मेरा जो फार्मूला जनरल गैस का, मेरे अब्बा का तो खैर नहीं है, पी वी इक्वल टू एन आर डी में वी की कोई अहमियत नहीं रही, ठीक है, आर वी कॉन्स्टेंट होता है, यानी अब प्रेशर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि H2 का मास होता है 2 2 डिवाइड बाई 2 1 होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन होता है, तो पहले वाले वैल्यू का तो आंसर 273 आता दिखता है। यहाँ देखें H2 का मास 1/2 और 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत अच्छी तरह याद करने को मैंने कहा है 546 केल्विन, इससे कैंसिल करेंगे तो फिर 273। अब मेरे भाई आगे दिया हुआ है 24 ग्राम O2 जिसका मास 32 होता है, 0 डिग्री होता है 273। अब देखिए यहाँ वक्त ज़ाया ना करें, यहाँ आप दिमाग यूज़ करें कि 273 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24/32 से, डिनोमिनेटर बढ़ाए न्यूमिनेटर से, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा इसका लगे वैल्यू 1 से छोटी होगी, किसी नंबर को अगर हम 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो इससे छोटा आंसर आएगा। भाई देखें ना 24 छोटा है 32 बड़ा है, अगर मैं 273 को मल्टीप्लाई करूँगा रिजल्ट 273 से छोटा आएगा, यानी इन दोनों वैल्यू से छोटा आएगा, तो अब तक का लोवेस्ट तो मेरा यही होगा अगर लोवेस्ट प्रेशर की बात की जाए। अब आगे मैं देख लेता हूँ नीचे वाले साल में क्या कह रहे हैं, जो ऑप्शन डी है 16 ग्राम 1 मोल आता है, 273 का अलग होता है 546, इसका आंसर आ रहा है 546, इन दोनों का आंसर 273 और इसका आंसर जो भी होगा 273 से छोटा होगा, तो लोवेस्ट प्रेशर ये हाईएस्ट प्रेशर ये, सिंपल तरीका ध्यान में बैठा है।